अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर देश भर के अंदर योग मनाया जा रहा है अलग अलग जगह पर, और देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत धूमधाम से योग की क्लास चल रही है। हम सीधे बात करते हैं इमाम साहब से, उमेर इलियासी साहब जो हैं हम समय हमारे साथ हैं। और सबसे पहली बार जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस मनाया गया था, तब कैसा अनुभव रहा था? हम सीधे बात करते हैं, कैसा रहा था पहला अनुभव आपका? मैं सबसे पहले तमाम जो भी लोग आज देख रहे हैं, मैं उन सबको योग डे की मुबारकबाद देता हूँ, और मैं अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि हम सब इंसान, सारे भारतीय हों चाहे पूरी दुनिया में, चूँकि योग मनाया जा रहा है, चूँकि आज योग को किसी धर्म से, जाति से, मज़हब से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, योग को भारत से जोड़कर देखना चाहिए, योग को स्वस्थ रहने के लिए देखना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए देखना चाहिए, मन के लिए, शरीर के लिए, सबके लिए योग जो है सबकी है और सबको इसको करना चाहिए। आज मेरा अनुभव योग और नमाज, मैंने आज जो योग किया, मुझे ये एक अनुभव हुआ कि नमाज में भी हम इसी तरह का व्यायाम करते हैं, तो मुझे लगता है कि योग में और नमाज दोनों एक ही हैं। हमें सबको चाहिए कि, चूँकि नमाज भी इबादत है, वो इबादत जो हमारी आत्मा को शुद्ध करती है लेकिन साथ में हमारे शरीर को भी वो अच्छा करती है, तो हमें चाहिए कि आत्मा और शरीर दोनों के लिए बेहतर है योग। तो हमें आओ, हम सब मिलकर योग की तरफ बढ़ें। और मैं मुबारकबाद दूंगा हमारे वज़ीर आज़म श्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने ख़ास तौर पर 5 साल पहले इसकी शुरुआत कर पूरी दुनिया के अंदर भारत के नाम को रोशन किया है। आओ हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें। आज हमारे जाति, धर्म, पंथ सब अलग हो सकते हैं लेकिन हम सबसे पहले भारतीय हैं। भारतीय होने के नाते आओ हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें। यही पैगाम है, यही मेरी दुआ है। हम सब मिलकर ये योग को इसी तरह से 21 जून को ही नहीं मनाएं, बल्कि योग हमारे जीवन के अंदर रोज़मर्रा की तरह आना चाहिए। हम सब लोग मिलकर योग करें जिससे कि हमारा मन, हमारा शरीर स्वस्थ रहे। आओ हम सब मिलकर हमारे भारत संकल्प लें हमारे मोदी जी का कि स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत। हम सब मिलकर इसको, इनके संकल्प को एक हकीकत में बदलें। इन्हीं दुआओं के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। इमाम साहब, पहली बार जब आप 5 साल पहले जब योग की क्लास शुरू हुई थी तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्लेटफॉर्म पे आपको जाना पड़ा था, तो कैसा अनुभव रहा? मेरा बहुत एक ऐसा अनुभव था कि चूँकि रमज़ान का महीना था और मुझे कहा गया कि आपको योगा डे, चूँकि दुनिया के अंदर पहली मर्तबा जिसकी शुभारंभ होने जा रहा है न्यूयॉर्क के अंदर, मुझे यहाँ से भेजा गया और ये कह के भेजा गया कि राष्ट्रहित में है। तो मुझे मेरा ये अनुभव योग का, योग को मैंने जब किया तो मैं लगातार, मुझे आज भी इसी तरह का एक अनुभव है कि योग और नमाज ये एक दूसरे को जोड़ता है, शरीर को और आत्मा दोनों को स्वस्थ रखता है। मुझे लगता है कि हम सबको मिलकर इसे करना चाहिए। बिल्कुल, इमाम साहब का साफ तौर से कहना है कि योग जो है शरीर और आत्मा को बिल्कुल साफ तौर से साफ रखता है। राजीव निशाना, समाचार वार्ता।